नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग यहाँ बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कीवर्ड रिसर्च। अब यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च से कहने का मतलब है, यहाँ पे एफिलेट मार्केटिंग के लिए हम बात कर रहे हैं। सिर्फ एफिलेट का कोर्स चल रहा है तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एफिलेट मार्केटिंग के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च जो है वो किस तरह से करनी होती है। आई एम श्योर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने जो है आपको कीवर्ड रिसर्च तो बताई होगी, लेकिन एफिलेट मार्केटिंग के लिए आपको किन कीवर्ड को सर्च करना चाहिए, किसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, किस तरह के कीवर्ड को आपको टारगेट करना है, ये जो है वो नहीं बताया। तो मैं आज के वीडियो में आपको बिल्कुल लाइव जो बताने वाला हूं कि किस तरह से जो है आपको कीवर्ड को टारगेट करना है, कौन से कीवर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, और कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको आपको टारगेट नहीं करना, जिनके ऊपर टाइम आपको खराब नहीं करना है। सो दोस्तों, ये आई एम श्योर कि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाना, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो मेरे को नीचे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि जो भी आपका सजेशन है डेफिनेटली उसको जो है इंप्लीमेंट करने की मैं कोशिश 100% करूंगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल वर्ल्ड बाय मंजीत सिंह। सो दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग हो या फिर कोई भी किसी तरह की भी वेबसाइट हो, वहां पे कीवर्ड रिसर्च जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कीवर्ड रिसर्च को हम जनरली नहीं ले सकते कि अगर हमारी कोई एक्स वाई जेड कोई टाइप की वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो उसके लिए हमारे कीवर्ड रिसर्च कुछ और तरीके के हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरी वाइज जो है आपको कीवर्ड को टारगेट करना पड़ता है, लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम यहां पर एफिलिएट मार्केटिंग की। तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको किन कीवर्ड्स को जो है टारगेट करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उसके लिए मुझे लेके चलना पड़ेगा आप लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पे, और वहीं चल के जो है हम देखते हैं कि किस तरह से जो है आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे सीधे चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कीवर्ड रिसर्च। सो दोस्तों, हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं कीवर्ड रिसर्च। बेसिकली कुछ कीवर्ड रिसर्च आपके बायर कीवर्ड्स होते हैं और कुछ आपके ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो नॉन बायर कीवर्ड्स होते हैं। ये बायर कीवर्ड्स क्या हैं और नॉन बायर कीवर्ड क्या हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में आपको बताता हूं, क्योंकि हमें जो एज अ एफिलिएट मार्केटिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें टारगेट करना है यहाँ पे बायर कीवर्ड्स को। नॉन बायर कीवर्ड्स को अगर हम टारगेट करेंगे तो हमारे पास ट्रैफिक आएगा लेकिन लोग जो है उसको बाय नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करना है, किस तरह से आपको ये समझना है कि कौन सा बायर कीवर्ड है और कौन सा नॉन बायर है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले यहां पे बात करते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है। तो यहां पे बायर वर्सेस नॉन बायर कीवर्ड जो है इनका क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें बायर कीवर्ड को टारगेट करना है अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। तो यहां पे अ साइट, एक एग्जांपल लेते हैं, अ साइट विद 100 विजिटर, एक साइट है जिसके पास कितने आते हैं 100 विजिटर जो है वो डेली बेसिस के ऊपर आते हैं, और यहां पे कहां से आता है उनका बायर ट्रैफिक आता है, राइट, फ्रॉम बायर ट्रैफिक, यानी कि उसने जो कीवर्ड टारगेट करे वो कौन से थे, बायर कीवर्ड्स थे, और उसी के जरिए यहां पे ट्रैफिक आ रहा है। तो यहां पे यू विल मेक मोर मनी देन अ साइट विद 1000। अब अगर कोई वेबसाइट ऐसी है जो नॉन बायर कीवर्ड्स को टारगेट कर रही है और उसके ऊपर कितने हैं 1000 का ट्रैफिक आ रहा है पर डे में, 1000 आ रहा है या फिर 10000 के 1000 जो है, या फिर आपके 10000 उसको सपोज कर लो 1000 से 10000 के बीच में उसको ट्रैफिक मिल रहा है नॉन बायर कीवर्ड से, तो यहां पे आप क्या कर पाओगे, यहां पे कौन आपका सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा, तो यहां पे बायर कीवर्ड हैव अ लॉट ऑफ कमर्शियल इंटेंट। यहां पे बायर कीवर्ड्स को जो मैं आपको जो वॉल्यूम बताऊंगा कि आपकी जो कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी वॉल्यूम आपको ज्यादा मिलती है तो वो क्यों मिलती है, तो उनका यही काम कारण होता है कि आपके बायर कीवर्ड्स जितने भी होंगे बायर कीवर्ड के ऊपर आपको हमेशा आपकी वॉल्यूम भी ज्यादा मिलेगी, और क्योंकि वहां पे लोग जो है उन कीवर्ड को कब सर्च करते हैं, जब उनका मकसद होता है उस चीज को खरीदना। तो यहां पे अगर आप 100 विजिटर आ रहे हैं बायर कीवर्ड से तो आप यहां पे क्या करोगे, ज्यादा पैसा आप कमाओगे, लेकिन वहीं पे नॉन बायर कीवर्ड से आपका से फॉर एग्जांपल था 1000 आते हैं पर डे या फिर महीने के 10000 आते हैं या 1 लाख आते हैं, तो वहां पर भी आप क्या कर रहे हो, आपके नॉन बायर कीवर्ड के जरिए अगर ट्रैफिक आ रहा है तो आपको उतना कन्वर्जन जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम टारगेट करें एफिलिएट
एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बायर कीवर्ड्स को। अब थोड़ा सा और अच्छे से इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली तीन कैटेगरी के कीवर्ड्स होते हैं। तो पहले टाइप के कीवर्ड कौन से हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी ए की बात करते हैं, तो यहाँ पे कीवर्ड कौन से हैं, बेस्ट 32 इंच टीवी टू बाय। अब यहाँ पे क्या आया, बेस्ट वर्ड का इस्तेमाल हुआ, 32 इंच टीवी, चलो ये ठीक है, कोई नॉर्मल है। अब यहाँ पे वर्ड हम यूज कर रहे हैं बाय। अब ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड को कौन सर्च करेगा, जो लोग इस चीज को खरीदना चाहते हैं, राइट। तो वही जो है यहाँ पे क्या करेंगे, उसको बाय करने का वर्ड साथ में यूज करेंगे। या फिर यहाँ पे बात करते हैं हम बेस्ट किचन, आप सब सपोज करते हो कार्ट, बेस्ट किचन कार्ट क्या है, तो ये कौन इसको सर्च करेगा, जिसको वाकई किचन के लिए वो इक्विपमेंट चाहिए हैं, वो कार्ट चाहिए हैं। यहाँ पे वेबसाइट टू बाय टिकट, अब सब वेबसाइट टू बाय टिकट, अब ऐसी वेबसाइट को जो ऑनलाइन अवेलेबल है, जिनके ऊपर टिकट्स अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इस तरह के कीवर्ड कौन सर्च करेगा, जिनको की टिकट जो है बुक करनी है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको किसी भी होटल में जाके, कहीं पे जाके होटल बुक नहीं करना है, तो आई एम श्योर कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, क्या आप होटल्स को सर्च करते हो, नहीं करते हो। आप होटल को कब सर्च करते हो, या फिर आपका क्या डालते हो, बेस्ट होटल इन, से फॉर एग्जाम्पल जोधपुर ले लेते हैं, बेस्ट होटल इन दिल्ली ले लेते हैं, फिर बेस्ट होटल इन मुंबई ले लेते हैं। तो वहां पे हम बेस्ट वर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें अच्छे होटल चाहिए, राइट। तो हम उस चीज को जनरली, जितना भी ऑनलाइन ट्रेंड है, जितने लोग भी ऑनलाइन सर्च करते हैं, वो अपनी माइंड में उनके क्या चल रहा है, उसके हिसाब से ही वो कीवर्ड को रिसर्च करते हैं। यहाँ पे बाय अ टिकट है ना, बाय टिकट जो है ये भी आपका वही है, वेयर टू बाय किचन इक्विपमेंट, वेयर टू बाय किचन इक्विपमेंट, ये भी आपका एक कीवर्ड हो गया। तो यहाँ पे बेस्ट लाइटिंग फॉर द किचन, बेस्ट लाइटिंग वर्ड इस्तेमाल हो रहा है फॉर द किचन, तो डेफिनेटली यहाँ पे लोग खरीदने की इंटेंशन रख रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपका, किचन इक्विपमेंट रिव्यूज। तो ये जो ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको आप क्या करते हैं, लोग जो टारगेट करके चल रहे हैं, जहाँ पे लोगों को खरीदना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहां पे कीवर्ड सेट, जो बी कैटेगरी के अंदर जो आपके कीवर्ड आते हैं, when did ह्यूमन फर्स्ट अपीयर, ये कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड को आपको देख के क्या अंदाजा लग रहा है कि when did ह्यूमन फर्स्ट अपीयर, यहां पे लोग कुछ खरीदना नहीं चाह रहे हैं, वो सिर्फ अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाह रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं। तो यहां पे ये इंफॉर्मेशन का एक कीवर्ड है। अगर आप इस कीवर्ड को लेके अगर अपने सपोज कर लो कुछ भी एक्स वाई जेड को जो है आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर टारगेट कर रहे हो, तो क्या आपको वहां से कन्वर्जन मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहां पे सेकंड कीवर्ड देखते हैं, व्हेन डिड वर्ल्ड वॉर टू स्टार्टेड। अब यहां पे कोई भी अगर इस चीज को लेके चल रहा है, तो वहां पे आपको कोई बायर कीवर्ड नहीं है। तो अगर इस कीवर्ड को कोई लेके आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है और आपकी एफिलिएट वेबसाइट है, तो वहां पे आपको इसका कोई कन्वर्जन रेशियो जो है वो नहीं मिलेगा। फर्स्ट ह्यूमन इन नॉर्थ इंडिया, इसके ऊपर कोई भी जो है आपको जो है क्या बाय नहीं करने वाला, वो सिर्फ यहां पे इंफॉर्मेशन चाहता है। ज्वाइन फेसबुक, इंस्पायर पीपल, व्हाट स्टार्टेड वर्ल्ड वॉर वन, हाउ टू चेंज द किचन टैप, यहां पे सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन टाइप के, इंफॉर्मेशन टाइप के ये कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को आप अगर टारगेट करोगे, तो यहां पे आपको कोई भी ऐसा जो भी ऑडियंस आपके पास आएगी, जो भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा, वो डेफिनेटली आकर जो है वो क्या सर्च करेंगे, इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे। लेकिन आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या है कि अगर किचन इक्विपमेंट आपने डाला और यहीं पे आपने ये टारगेट करा, तो यहां पे वो किचन इक्विपमेंट देखने आए क्या, नहीं आए हैं। वो क्या देखने आए कि यहां पे किचन के अंदर जो है टैप जो है वो किस तरह से काम करता है, उसको कैसे चेंज करा जाता है। तो यहां पे जो है इस तरह का कंटेंट वो चाहते हैं, यानी कि वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तो ये क्या है आपका, नॉन बायर कीवर्ड्स है, ठीक है ना। व्हाई किचन सेफ्टी इंपॉर्टेंट, अब यहां पे किचन की सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या है, ये एक नॉन बायर कीवर्ड्स है। अब तीसरी कैटेगरी देखते हैं, यहां पे कीवर्ड कैटेगरी जो सी है। अब यहां पे कुछ ऐसे जैसे कि फ्री वाईफाई, फ्री कूपन्स, फ्री ई बुक, फ्री टीवी शो ऑनलाइन, फ्री इंटरनेट, फ्री नेटवर्किंग कोर्स, फ्री एफिलिएट मार्केटिंग वीडियो। अब ये कौन से कीवर्ड्स हैं, ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर कोई भी पैसा नहीं लगाना चाहता, राइट। जब भी हम कोई भी, हम अगर सपोज कर लो हमें कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर की आपको रिक्वायरमेंट है, तो हम सर्च क्या करते हैं, फ्री एनिमेशन सॉफ्टवेयर टू डाउनलोड,
राइट, ये हम कीवर्ड डालते हैं, क्यों, हमें वहां पे कोई भी पैसा नहीं लगाना है। तो अब जब हमें कोई पैसा लगाना ही नहीं है, जब हम फ्री वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वहां पे हमारी कोई भी बाय करने की कोई भी इंटेंशन नहीं है, राइट। अगर ये कीवर्ड को अगर हम टारगेट करके अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, तो हमें क्या इसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों की इंटेंशन बिल्कुल भी पैसा खर्चने की है ही नहीं है, वो फ्री का स्टफ चाहते हैं। तो ये तीन तरह के कैटेगरी के जो आपके कीवर्ड टू आपके कीवर्ड्स होते हैं तीन कैटेगरी में, जिनको आपको जो है ध्यान रखना है कि आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कीवर्ड के जो कैटेगरी आपकी ए है, ये जो ए आपके कैटेगरी में मैंने आपको कीवर्ड बताएं, इस तरह के कीवर्ड को आपको टारगेट करके चलना है, तभी आपको जो आपके पास ट्राफिक आएगा, और डेफिनेटली अगर इन कीवर्ड्स के जरिए आपका ट्राफिक आएगा तो आपका कन्वर्जन रेशियो भी होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इन चीजों को ही, इन कीवर्ड्स के ऊपर ही आपको रिसर्च करनी है। अब इनके ऊपर और अच्छे से रिसर्च कैसे करते हैं वो मैं आगे चल के आपको और वीडियोस देने वाला हूं, तो ये आप जो है पूरा देख सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। आई एम श्योर कि जो है वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर कोई भी आपका डाउट है, कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए है, या आपका कोई भी सजेशन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दोस्तों, आई एम श्योर कि वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कही गया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, तो साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो को जो है नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे। सो आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।